दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिसंबर 2021 के लिए किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिसंबर 2021 के लिए इजाज पटेल को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है। हमारा अगला सवाल, IIT दिल्ली का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों IIT दिल्ली का नया डायरेक्टर रंगन बैनर्जी को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल, श्रीलंका ने भारत की मदद से लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की है, यह ट्रेन किन जगहों के बीच शुरू की गई है? दोस्तों श्रीलंका ने भारत की मदद से जिस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की है वह तमिल बहुल इलाके जाफना से शुरू होकर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बीच शुरू की गई है। हमारा अगला सवाल, UiPath पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों UiPath पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का अवार्ड साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। हमारा अगला सवाल, यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को रासव गांव घोषित कर दिया है? दोस्तों यूपी सरकार ने बहराइच जिले के 4 गांवों को रासव गांव घोषित कर दिया है। हमारा अगला सवाल, पंजाब राज्य के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों पंजाब राज्य के नए DGP के रूप में वीरेश कुमार भावरा को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल, किस महिला को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों आयशा मलिक को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल, वह कौन सा राज्य है जहां पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों कर्नाटक राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों फरवरी 2021 में भारत सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना निर्माण समूह को मंजूरी दी थी, इनमें से 3 मध्य प्रदेश में, 1 उत्तर प्रदेश में, 1 कर्नाटक में, 1 तमिलनाडु में और 2 राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। हमारा अगला सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है? दोस्तों असम सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 2000 करोड़ रुपए की परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के 1.75 लाख डेयरी किसानों को प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करना है। हमारा अगला सवाल, गांधी के हथियारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों गांधी के हथियारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक धीरेन्द्र के झा द्वारा लिखी गई है। तो जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।